हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घड़ी में बज गए हैं 12। अब पति जी हमारे जा रहे हैं ड्यूटी, और आज इनको थोड़ा, वैसे तो 12 डेली बज जाता है, कितना भी सुबह उठो लेकिन 12 साला बज ही जाता है। और सुबह कितने का उठाऊं, 6:30 बजे समझ लो 7 बजे। लेकिन अब तो एक बार नींद खुल जाती है फिर दोबारा नींद नहीं आती है, काम इतना है क्या करें। तो हम अभी हॉस्पिटल से आए हैं। हॉस्पिटल में जब गए थे, मैं दवा तो लेकर आए थे, अगल बगल जो लोकल डॉक्टर होते हैं, वो लोकल ही नहीं होते, मतलब लोकल एरिया, जैसे हम लोग को जो लोकल एरिया नहीं, जैसे छोटे डॉक्टर होते हैं बगल में बैठते हैं घर के आसपास, तो जैसे नहीं कहते लोकल एरिया में, तो हम लोग वहाँ गए तो उनका दवा में नहीं काम किया। तो भाई अब मेरा घर है, अगर हम पड़ जाएंगे बीमार तो कौन घर संभालेगा। पहले छोटे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जब आराम ना मिले तो बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्पेशली कौन से डॉक्टर थे? स्पेशली हड्डी के डॉक्टर थे, जो ये अपना थेरेपी बोलते हैं ना उसको, राहुल शर्मा नाम था। आप लोग 1200 रुपए केवल फीस लगा देखने, उनका ओनली केवल 1200 फीस था। तो बहुत अच्छे तरीके से समझाए क्यों दिक्कत होती है, क्यों प्रॉब्लम होती है, और क्या दिक्कत प्रॉब्लम थी, दवा तो लेकर आ गए हैं। चलिए तो हम चलते हैं। हाँ। तो बातें करते रहिए और सबको ले आना टाइम से। चलिए, श्री शिवाय नमस्तु। तो पतिदेव गए ऋषभ का, 1 बजे छुट्टी होगा, फटाफट हम आए हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल में गए, कोई जाता वैसा भगदड़ हॉस्पिटल नहीं होता है कि जाओ दुनिया भर की, जैसे कि मरीज वरीज होते हैं, वली नीचे ही रहता है, नीचे दिखा कर। और हम आ गए तो देखिए मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मुझे ना 3-4 महीने पहले से, मुझे जैसे कि मैं बैठती थी ना जो हिप होते हैं, हिप के दोनों बीच के गैपिंग के ऊपर, अब तो डॉक्टर से मैं बता ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ना समझ में नहीं आ रहा था कि ये दर्द मुझे होता कहाँ है। मैं बैठती थी बस रीढ़ के एकदम बीचों बीच, रीढ़ के नीचे एकदम बीचों बीच दर्द होता था। तो अब डॉक्टर के पास गए, जब मैं ऐसे बता रही थी, डॉक्टर बोल रहे कि जो हिप होता है, हिप के नीचे जो गैपिंग होती है, बीचों बीच एकदम जो लाइनिंग होती है, वहाँ दर्द होता है, हाँ बैठने से। कि फिर उनके तरीके से जैसे बोले आगे की तरफ झुको तो नहीं दर्द होता है, पीछे की तरफ, हम हाँ पीछे तरफ दर्द होता है। तो इसकी वजह से मेरे पूरे कमर में, पेट में, हल्का नीचे की तरफ सारे जगह दर्द, तो मुझे बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो रही थी, जो मुझे उठना बैठना नहीं पड़ रहा था। तो डॉक्टर कहें कि ये चीज़ हो जाती है बिल्कुल जहाँ, अरे बाप रे, देखो बैठने के लिए दिक्कत हो रही है, ओ माय गॉड, अरे बाप रे, ज़्यादा तो हम लेटे ही रहते थे, बैठने के लिए क्या बोले। तो ये हमने दवा लेकर आए हैं, जो दवा खाना है मुझे, और ये हमारा मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो है फाइल तैयार किया गया था, और देखिए कितना, डॉक्टर नाम है राहुल शर्मा, और ये मेरा नाम 15 जयसवाल, एज 32, और इसके नीचे मोबाइल नंबर, एड्रेस है, तो एड्रेस नहीं दिखा सकते हैं। और ये हमारा दवा है, दवा भी दिखाते हैं, इसलिए ये दवा है जो खाली पेट खाना है, ये और ये और ये तीनों, ये दो अलग है, ये जो कंटिन्यू 4 दिन खाना है, फिर हफ्ते में 1 बार खाना है, और ये हमारा दवा है। और ये बैठने के लिए ये कुशन है, बैठते हैं, आपको जब भी बैठना होगा तो इस पे ही बैठना है। और ये मैं हॉस्पिटल में दे रहे थे मुझे 2100 रुपये, तो मैंने बाहर से लिया है जो मुझे 1800 रुपये का पड़ा हुआ है। तो यही सब प्रॉब्लम है, कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जानता। डॉक्टर बोले कि आप इसको 1 हफ्ते दिन खाओ और करो, अगर नहीं ठीक होता है एक इंजेक्शन आता है जो लगेगा, सही हो जाएगा। कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है, हो जाता है। 30 की उम्र के बाद लेडीज़ों को दिक्कत प्रॉब्लम आती है, जो बैक के पीछे दर्द होने शुरू हो जाता है। तो चलिए अभी 1 बज जाएगा, 12:15 हो रहा है, ऋषभ को लेकर आएंगे। पति देखो पनीर की सब्जी और पूड़ी छान कर दे दिया है ऋषभ के लिए, लंच में ही बनाए थे,
सोनाची फ्राई राइस ले गई थी, और फिर अभी जलते भिंडी का सब्जी बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। बने रहिए ब्लॉग के अंदर, मिलते हैं कुछ टाइम बाद। तो गाइस हम दवा हुआ खाने के बाद ये सब कुछ से लेकर आ गए थे, और एक घंटा डेढ़ घंटा हमने आराम किया, क्योंकि दवा जब खाओ ना थोड़ा सा शरीर में उलझन सापन लगता है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए पति देव को खाना दे दिए थे, फिर रात में पनीर का भुजिया बनाए थे, पनीर बचे थे तो यहाँ पनीर का भुजिया बना था, पनीर की सब्जी बना दी, और कह रहे थे भुजिया टाइप का बनाएंगे, और ये भुजिया है, भुजिया रात में बनाए थे, मुझे भुजिया पसंद है, पनीर अच्छा लगता है, पनीर में पसंद, पनीर की सब्जी बनाते हैं, केवल रसा खाते हैं, और मुझे पनीर में पसंद है मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, कढ़ाई पनीर, बस प्याज वस काट के हल्का सा बना दिया है, आटा गूंद रहे हैं, गरमा गरम रोटी बना देते हैं, बच्चे ताकि खाने के बाद, चलिए लंच करने के बाद हम मिलते हैं। पौने सात हो गए हैं, मेरा साफ सफाई हो गया घर का, तो यहाँ सोनाची पूजा कर रही है, और मैं भी अब पूजा परसों से करूंगी, क्योंकि पूजा करने लायक नहीं थे, परसों से हम पूजा करना शुरू कर देंगे, ताकि नवरात्र में एकदम साफ सुथरा रहेंगे, माता रानी का मंदिर वगैरह भी सफाई करेंगे, सब अच्छे से भगवान को पोछे पाछेंगे, नवरात्र से पहले पूरे घर की कर देंगे सफाई। तो यहाँ सोनाची शाम का दिया जला रहे हैं, अभी घर के बाहर गेट का दिया जलाएगी, दरवाज़ा खोल दिए हैं, तो चलिए पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस फैन बिक रहा है, भैया कितने किलो, 100 रुपये किलो, और ताज़ा ताज़ा बनता है यहाँ पर, चाय के साथ खाने में बड़ा मस्त लगता है, यहाँ बहुत सारी वैरायटी है, जो नीचे बिस्किट वगैरह लगा हुआ है, ऋषभ चाय के साथ खाते हो ना, हाँ वो छोड़ दो, वेट कर रहे हैं, नमकीन भी बहुत वैरायटी के मिल जाएंगे आपको, अभी गर्म ही है भैया, एकदम चलिए यहाँ चलो मार्केट में। तो यहाँ हमारा घंटी खराब हो गया था पूजा के लिए, मैं एक घंटी ले रही क्या, ये देखिए घंटी, पैसा दे दो, पैसा लो, हाथ पकड़ा, बर्तन का दुकान है, ये छोटे मार्केट से लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ आ गए हैं सब्जी लेने, और ये गांव में तो हमारे फ्री में मिल जाते हैं, पेड़ में तो ये सब सामान लेने के बाद आ गए सब्जी लेने, सब्जी तो कल मेरे पति देव ले गए थे, थोड़ा बहुत मेरा ना आज ये सब्जी खा लेगा, इसको यहाँ क्या बोलते हैं गांव में, सैजर, यहाँ सैजर नहीं बोलते, यहाँ क्या बोलते, डाटा अंकल आप क्या बोलते हैं इसको गांव में, इसको सैजर बोलते हैं, डाटा पहले ये क्या डाटा था, आंटी क्या बोलते हैं इसको आप, सहजन है, बहुत लोग को पता है, और बहुत जगह अलग अलग बोलते, मूंगा 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 बोलते तो चलिए यहाँ सब्जी ले लेते फिर। तो गाइस अरे ये मैंने सहजन और घिया खरीद के लाई हूँ, भिंडी तो कल पति देव लाए थे, तो इसका कल हम रायता बनाएंगे, और ये सहजन है, सहजन तो खरीद के ला दिए हैं, लेकिन जो मसाला पिसाता है मिक्सर का, हमारा जार खराब हो गया है, अब मैं कैसे मसाला पिसूंगी, रुको रख तुम, और फैन लाए, ब्रेड लाए, और जो चीज़ें छोटी मोटी थी, घंटी टूट गई थी हमारी, टूट गई थी क्या, गिर गया था ना, तो उसका आवाज़ सही नहीं आ रहा था, तो मैंने एक छोटा सा घंटी खरीद के लाया, अब पूजा में पूरा पूजा हो रहा था, तो बड़े मार्केट नहीं जा पाए थे, तो छोटे मार्केट से ऐसे खरीद के ले आए, हाँ काम चलाओ, 50 रुपये का मिला है, तो चलिए मंदिर में रख दूँ, सोनाची चाय बनाए, थोड़ा चाय पी लेते फिर खाना बनाते हैं, ये वाला ब्लॉग यहीं से एंड, यहाँ धुलेंगे तब से रखो, ये वाला ब्लॉग यहीं से एंड, यहाँ आओ ऋषभ एंड करते, वीडियो पसंद आते लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, बहुत बुलवाता है, तब तक के लिए बाय बाय।